और वो ये दिया कि वर्तमान में हमारे सामने एक सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ये जो एट्रोसिटी वाला इशू है ये अभी बाद का क्रिएशन था। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मुद्दे पर हमने आदरणीय मेघवाल साहब के सामने बात रखी, रामदास अठावले साहब भी वहाँ थे, डॉक्टर क्रीट सोलंकी साहब भी थे पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन, और हमने ये रिक्वेस्ट किया कि जब 2005 के अंदर एम नागराज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो सरकार को दो में से एक काम करना था, या तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता या नेगेट करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पास किया जाता। उस समय की सरकार ने 2005 से 2012 तक कोई कार्रवाई नहीं की, और उसके बाद एसोसिएशन ने जो राष्ट्रीय दलित पंचायत के बैनर पर महारैलियाँ की, तो 2012 के बाद राज्यसभा में 117वां संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ। लेकिन अभी 2019-18 हमारे सामने है और 2018 तक वो संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इस कारण से कोई भी आरक्षण विरोधी संगठन या व्यक्ति जब कोर्ट में जाता है और अपनी बात साधारण से तरीके से भी कहता है कि सरकार ने एम नागराज के निर्णय की पालना नहीं की है, इसलिए आरक्षण अवैध है, पदोन्नति में आरक्षण, और इस तरह से सभी विभागों में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लग गई। और रोक ही नहीं लगी बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2005 के बाद के पदोन्नति में आदेश हैं उनको रिव्यू करने की बात कर दी, और एक अभी दो वीक पहले जजमेंट आया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में रेलवे के केसेज में तमाम SC ST के लोगों के रिवर्सन तक के आदेश दे दिए। तो ये इतना गंभीर मसला है कि जिस पर हमारे जो आदरणीय सांसद और प्रधानमंत्री जी हैं उनका ध्यान इस पर आकर्षित किया जाए ताकि इसका कोई निराकरण हो। हमने ये भी बात रखी कि यदि कोई ऐसी बाध्यता है कि संसद में संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सकता तो जो एम नागराज के केस में जो निर्णय दिया और तीन बिंदुओं पर जो जांच कराने की बात की गई वो जांच सरकार करवाए, और यदि ऐसा करवाती है तो भी हमारा आरक्षण बच सकता है, क्योंकि जो तीन बिंदु की बात की उसमें ये कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण को कंटिन्यू रखने से पहले सरकार ये क्वांटिफेबल डाटा एकत्रित करके ये संतुष्ट हो जाए कि क्या इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरा है या नहीं है, जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है इससे एफिशिएंसी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरा इनका रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने के बाद इनकी जो सोशल बैकवर्डनेस है उसमें कोई सुधार हुआ या नहीं हुआ। ये तीनों की तीनों जो बिंदु हैं इन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहले ही एक्सरसाइज कर चुका है और उसने सरकार को ये रिपोर्ट पहले ही सौंप दी थी, और जिसमें ये सर्टिफाई किया गया कि जो रोस्टर है वो जब ही अप्लाई होता है जब निर्धारित प्रतिशत में कहीं कोई कमी होती है, यदि निर्धारित प्रतिशत पूरा है तो सीनियरिटी से हमारे लोगों को प्रमोशन मिलते हैं और वो जनरल पॉइंट पर भी मिलते हैं। और रही बात एफिशिएंसी की, तो जब प्रमोशन करते हैं तो आजकल प्रमोशन के लिए जो ACR है वो देखी जाती है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है कि अनुसूचित जाति वर्ग का ACR गुड भी चलेगा और सामान्य वर्ग का आउटस्टैंडिंग या वेरी गुड होगा, ऐसा कोई रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन उसमें नहीं है। इसका मतलब एफिशिएंसी पर भी कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। सोशल बैकवर्डनेस के अनेकों उदाहरण हैं जो समाज के अंदर जो प्रताड़नाएँ एट्रोसिटीज हो रही हैं, आए दिन जो परेशानियाँ आ रही हैं उसके आधार पर इसको पार्लियामेंट पहले ही सर्टिफाई कर चुकी है। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिजर्वेशन 10 साल के लिए बढ़ाया गया उस समय भी उसकी जो भूमिका है उसमें इस बात को सर्टिफाई कर चुकी है। तो ये जो तीनों बिंदु है वो हमारे पक्ष में है, तो हम ये भी कामना करते हैं सरकार से कि यदि आप विधेयक पास नहीं कर सकते तो ये तीन बिंदुओं पर जाँच कराने का काम करें।
और यदि हम इन दोनों कामों में से एक भी काम नहीं करते हैं तो जो हमारा दलित आदिवासी समाज है उसमें कहीं ये संदेश जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे आरक्षण को न्यायालय के माध्यम से समाप्त करने का एक प्रयास हो रहा है। तो ये जो भ्रम पैदा होता है इसको दूर करना पड़ेगा, और तभी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा साहब के नाम से कार्यक्रम चलाए हैं या जो भी काम किए हैं उनको पूरा समर्थन तभी मिल सकता है जब इस आरक्षण को बचाने के बारे में कुछ कार्रवाई की जाए। तो ये एक बड़ी समस्या हमारे पूरा जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का समाज है, चाहे वो केंद्र सरकार में है चाहे वो राज्य सरकार में है, सबके सामने ये समस्या है। बीच में हमने देखा कि आरक्षण के बारे में क्रीमी लेयर लागू करने के बारे में भी एक PIL फाइल हुआ, और उसके बाद कुछ लोगों ने ऐसा भी नारा दे दिया कि आरक्षण हटाओ देश बचाओ। तो ये जो नारे, ये PIL और ये जो गतिविधियां हैं ये हमको डरा रही है, बहुत बुरी तरह से भयभीत कर रही है। और यही कारण है कि जो अभी दो दिन पहले एट्रोसिटी एक्ट के बारे में जो भारत बंद का आह्वान किया गया वो इतना ज़्यादा सफलतापूर्वक हुआ, क्योंकि दर्द लोगों के मन में छुपा हुआ है और वजह कोई भी हो लेकिन वो दर्द निकल करके आता है। तो इसलिए हमारा जो मंच पर विराजमान हमारे सांसदगण, मंत्री जी, आपसे हमारा निवेदन है कि इस विषय को आप गंभीरता से लें और प्रधानमंत्री जी के स्तर पर बात करें, और जो हमने आपको ज्ञापन दिया है उस पर भी आप अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी को लिखें और राष्ट्रपति जी को भी लिखें, तभी इनका कोई समाधान होगा। दूसरी जो आज इस दलित संसद में हमने जो विषय रखा वो विषय हमने रखा जो हाल ही में एट्रोसिटी एक्ट के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो निर्णय भी दलित समाज में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के अंदर भय पैदा करता है, क्योंकि एक एट्रोसिटी एक्ट ही ऐसा एक्ट है जिसके आने के बाद में जो अनुसूचित जाति जनजाति के आम नागरिक के साथ एवं अधिकारियों के साथ एवं कर्मचारियों के साथ एवं IAS अफसरों के साथ जो एट्रोसिटी होती थी, जो छुआछूतपूर्ण व्यवहार होता था, जो भेदभाव होता था, उसमें कहीं न कहीं रोक लगी। और उस एट्रोसिटी एक्ट में रोक लगने सुधार होने के बाद यदि FIR लगने पर रोक लग जाएगी या FIR लगाने से पहले, आदरणीय सांसद हमारे बीच में पधारी हैं, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। SC ST गीता जी सांसद, आप आंध्र प्रदेश से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। SC ST एट्रोसिटी एक्ट के बारे में आदरणीय महोदय मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये दुष्प्रचार किया जाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग इस एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग करके जो निर्दोष लोग हैं उनको फंसाने का काम करते हैं। ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार है। हमने भास्कर के अंदर और पत्रिका अखबार के अंदर एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ी और उस सर्वे रिपोर्ट में ये बताने का प्रयास किया कि कम से कम 70% केस ऐसे हैं जिनमें FIR लगी। आदरणीय महोदय, जो FIR लगने के कारण है वो ये नहीं है कि वो केसेस झूठे थे, बल्कि FIR लगने के ये कारण थे कि जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसने सही ढंग से जांच नहीं की या उनको डराया धमकाया, और उसके बाद 50% केस ऐसे हैं जिनमें फाइनली समझौता हो जाता है। और ऐसे केसों की आड़ में यदि ये जो एट्रोसिटी एक्ट है इसमें कोई इस तरह का संशोधन किया जाता है तो जो डर भय जो उत्पीड़न करने वाले लोगों के मन में है वो निकल जाएगा और वो खुलेआम हमारे साथ एट्रोसिटी करेंगे। इसका एक उदाहरण मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 अप्रैल को जो भारत बंद हुआ उसके बाद में कल हमारे जो 2 विधायक हैं राजस्थान के, उनके घर जलाए गए, भरोसीलाल जाटव साहब और राजकुमारी जाटव साहब, इनके घर खुलेआम जलाए गए। और जब विधायकों के घर जल रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा ये हम अनुमान लगा सकते हैं। तो हम आपको ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग न पहले कभी हुआ है और न आगे कभी होगा, लेकिन इसके बने रहने से
जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं उनमें डर भय बना रहता है और उस डर भय की आड़ में हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है। तो आपसे ये निवेदन है कि आपने और सरकार में हमारे जो सांसद सभी पार्टियों के और सरकार के मंत्रीगण आपके प्रयास से और जन आंदोलन से सरकार ने जो रिवीजन पिटीशन फाइल किया और उसके बाद जब उसको नहीं सुना जा रहा था तो सरकार ने प्रेशराइज करके और जो कल उसकी सुनवाई करवाई की एक शुरुआत करवाई उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है जिसमें महीनों केस चल जाए या वर्षों चल जाए, बल्कि इसका निपटारा करना पड़ेगा। यदि रिवीजन पिटीशन से कोई समाधान नहीं होता है तो हमको अध्यादेश लाना चाहिए और तत्काल इसमें एक राहत देनी चाहिए। एक हमने आज इस दलित संसद के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि इस बंद के दौरान काफ़ी अराजक तत्वों ने जो हमारे समाज के नहीं थे उन्होंने रैली में और बंद के दौरान आकर के और हमारे लोगों के जान और माल को हानि पहुंचाई है एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और उसके बदले में जो हमारे लोग हैं उनको बदनाम करने का काम किया है और झूठे केसेज उनके खिलाफ लगा करके उनको अरेस्ट किया गया है। सैकड़ों लोग पूरे देश में मारे गए हैं। जब बॉर्डर पर एक सिपाही हमारा मारा जाता है तो हम कितने सम्मान से उसको देखते हैं। जब कोई सामाजिक आंदोलन में दो चार लोग मारे जाते हैं तो देश की सरकार कितना उस पर ध्यान देती है। हमारे सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए हैं और सैकड़ों लोगों के खिलाफ फर्जी केस भी फाइल हुए हैं। तो हमने ये मांग की है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार ये प्रदर्शन करे कि वो हमारे साथ है। और इसके लिए जो मृतक हैं उनके कम से कम एक परिजन को नौकरी दी जाए, ऐसी हमने इस दलित संसद में मांग की है। और ऐसा नहीं है, ऐसा किया नहीं गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन, जाट आरक्षण आंदोलन और जितने भी आंदोलन हुए हैं उनमें इस तरह की राहत दी गई है। इसके अलावा जो घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है उनको मुआवजा दिया जाए और उनका इलाज करवाया जाए और जो झूठे केस लगाए गए हैं उन केसेस को वापस लिया जाए। और मैं समझता हूँ कि सरकार यदि ऐसा करेगी तो हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके मन में एक विश्वास पैदा होगा और जो अविश्वास की भावना लोगों के द्वारा या हमारे खुद के मन में पैदा होती है वो दूर हो जाएगी और अच्छे माहौल में हम काम करेंगे, देश भी प्रगति के पथ पर चलेगा और हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है उसमें भागीदार बनेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हमारे सांसदगण कुछ यहाँ पधारे हैं, कुछ और बाद में भी आएंगे। हमने सभी पार्टी के सांसदों को बुलाया और हमने ये आह्वान किया है कि जब समाज की बात हो तो ये पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व की बात की थी तो वो समाज के प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ भेजा था। लेकिन ये देखा गया कि जिन लोगों को पार्लियामेंट में और विधानसभा में भेजा गया उनमें से कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी लोग समाज का प्रतिनिधित्व करने के बजाय पार्टी का प्रतिनिधित्व वो करने लग जाते हैं और ऐसा करने से समाज अपने आप को अनाथ समझता है। आदरणीय महोदय, सोशल मीडिया का जमाना है, हमने फेसबुक व्हाट्सएप पर देखा है और जो 2 तारीख का आंदोलन हुआ है ये किसी एक नेता के नेतृत्व में नहीं हुआ है, ये किसी एक संगठन के आह्वान पर नहीं हुआ है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं था बल्कि एक जन भावना का आंदोलन था। तो ये जो लोगों के अंदर आग लगी हुई है, लोगों के अंदर जो आक्रोश है इसको शांत करना बहुत जरूरी है। हम आपसे इस मंच से इस कार्यक्रम में आज ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन सिर्फ एक भागीदार है, सिर्फ एक आयोजक है, बल्कि यहाँ हमारे आयकर विभाग वाले, एक्साइज डिपार्टमेंट वाले, बैंक वाले, LIC वाले और सभी विभागों के लोग, फेडरेशन के लोग, सभी संगठनों के लोग यहाँ पधारे हैं और वो इस आशा और अपेक्षा से यहाँ आए हैं कि हमारे इस दर्द को आप जानें, पहचानें और सरकार के साथ बातचीत करके और त्वरित गति से इनका हल निकाला जाए।
मैं इस मौके पर ज्यादा समय नहीं लूंगा, जो बिंदु तय किए गए थे उनके बारे में आपसे आग्रह के साथ में मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम साथी।